मक्खन कैसे निकाला जाए। तो ये हमने दूध लिया है 1.5 लीटर और इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। देखो इसमें मलाई भी आ चुकी है ऊपर। तो अब हम इसको ठंडा करके जमाएंगे। तो ये हम ऊपर ऊपर से मलाई ले लेंगे और थोड़ा दूध लेंगे। ये देखिए ये हमने दूध से मलाई निकाल ली है। ये हमने मलाई निकाल ली, ये मलाई हमने निकाल ली है, दूध ले लिया है। अभी ये थोड़ा गर्म है, हम इसे ठंडा होने देंगे। ये हमने 1 दिन की मलाई निकाल के रखी हुई थी, इसे भी हम इसी में मिला देंगे। ये मलाई भी हमने इसमें मिला दी है। अभी इसको घोल देंगे हम अच्छे से और अभी थोड़ा गर्म है, ये ठंडा होने देंगे। दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें जावन डाल देंगे और इसे ढककर रख देंगे। अब हम इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दही हमारा अच्छे से जम चुका है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। लगभग 1 घंटा हो चुका है, ये हमने फ्रिज में से निकाल लिया। अब हम इसकी छाछ करेंगे और मक्खन निकालेंगे इसमें से। तो हम इसे इसमें डाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। गर्मी है तो हम ठंडा पानी मिलाएंगे और सर्दियां हैं तो हम गर्म पानी करके मिलाएंगे। तो ये हमने पानी ले लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मिलाते जाएंगे। चम्मच हटा देंगे और ये रई की सहायता से हम इसको फिराते जाएंगे और ऐसे घुमा घुमा के हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। इस तरह हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए घुमाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। ये देखिए 5 से 7 मिनट हमको हो गए हैं इसे चलाते हुए। इसी तरह थोड़ा हमारा घी बनने लगा है। अभी हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसे धीरे धीरे फिर से चलाना है। इसी तरह हम इसको घुमाते रहेंगे हाथ की सहायता से, दोनों हाथों की सहायता से। और इसे चलाते रहेंगे। हमारा घी बनना शुरू हो गया है। ये देखिए घी अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम एक बड़े बर्तन में ठंडा पानी लेंगे। ठंडे पानी में निकालेंगे तो ये हमारे हाथों के नहीं लगेगा। ये देखिए रई के भी नहीं लगा। इस तरह से हम इसको हटा देंगे, ये आसानी से निकल जाता है। इसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे। पहले हमारे हाथ के हम ठंडा पानी लगाएंगे और फिर इसको निकालेंगे। ये देखिए हमारा ढेर सारा मक्खन निकल कर तैयार है। ये देखिए